मोहतरम यावर कमाल साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से है। राय साहब, 4 माह तकरीबन गवर्नमेंट को हो गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो आपने वादे किए थे इस पार्टी की क्यादत ने और आप लोगों से वोट लेकर आए थे, तो उसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं? देखिए जी, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमारी गवर्नमेंट आई और बड़ी हाई होप्स हैं हमारी गवर्नमेंट से इस पाकिस्तान के लोगों को। और सबसे पहले तो इतना बुरा हाल है मईशत का हमारे मुल्क की, हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी हमारी लीडरशिप की, हमारी गवर्नमेंट की ये थी कि कम से कम शरायत पर IMF या किसी से लोन लिया जाए। तो सबसे पहले तो हमारा फोकस यही था कि मईशत मजबूत हो। तो जब मईशत मजबूत होगी तो इंशाल्लाह उसके असरात, उसके मुनाफात आम आदमी तक पहुँचेंगे और जो हमने वादे वईद किए हुए हैं इंशाल्लाह वो ज़रूर इस गवर्नमेंट में पूरे होंगे। राजा यावर साहब, अपोजिशन जो है आप क्या देख रहे हैं, जो आपने वर्किंग रिलेशन शुरू किया है बेहतर अंदाज से, तो कुछ आपको काम करने का मौका दे रही है और क्या समझते हैं इसके मुस्बत अच्छे असरात जो हैं माशरे पर या सूबे की तरक्की पर पड़ेंगे? देखें जी, हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि मिलजुल कर इस पाकिस्तान के लिए काम करना है। अपोजिशन हमें काम करने दे ना करने दे, हम तो वी आर वेरी फोकस्ड और हम अवाम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और अब अपोजिशन जिसने रिस्ट्रेन किया था अपने आप को बजट सेशन से, जो कि बड़ा अहम सेशन था जिसमें आम आदमी और इस पंजाब के सूबे के हवाले से कट मोशंस आने थे, तो उन्हें भी अब समझ आ गई है कि रूल्स ऑफ बिज़नेस और गवर्नमेंट के साथ मिल बैठ के पंजाब असम्बली के जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है उसमें वो अपनी कार्रवाई में बाकायदा हिस्सा ले रहे हैं। राय साहब, झेलम आपका इलाका है, फिर बड़े मसाइल हैं वहाँ, वहाँ बहुत गुर्बत है और वहाँ जो लोगों के पसमानदगी बहुत ज़्यादा है और किसी हुकूमत ने भी, मैं समझता हूँ 10 साल नून की भी रही, वादे रहे और वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं उस इलाके से, लेकिन वहाँ के आवाम खुशहाल नहीं होते। सर, इसकी क्या वजह है और अब क्या कर रहे हैं आप? देखिए जी, डिस्ट्रिक्ट झेलम में चाहे ये 10 साल नून की गवर्नमेंट रही है, इससे पहले भी वहाँ हमेशा से नून के लोग ही जीत कर आते रहे और वो किसी न किसी तरह बरसर इक्तदार रहे वहाँ। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि बदकिस्मती से हमारे इलाके की पसमानदगी दूर नहीं हो सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ के जो पिछले 10 साल में लीडरान मुंतखब होकर आते रहे, उनमें शायद इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी कि वो अपनी गवर्नमेंट से ये कहते कि आप पूरे पंजाब का बजट उठाकर लाहौर ला रहे हैं, जिसकी वजह से उन इलाकों में किसी किस्म के तरक्याती काम नहीं हुए। हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि जो इन 10 सालों में हमारे ज़िले का तालीमी लिहाज से बेड़ा गर किया गया है, इंशाल्लाह सबसे पहले हम वहाँ चाह रहे हैं कि साज़ा क्राम को उन स्कूलों में भेजें और तरक्याती कामों के हवाले से भी हमने मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं अपने CM साहब को भी और अपनी गवर्नमेंट को भी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन 5 सालों में ज़िला झेलम की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। साहब, एक और चीज़ जो सबसे अहम है, बलदियाती सेटअप है, बलदियाती सेटअप आपकी हुकूमत ने मुअत्तल किया हुआ है, तो क्या आप समझते हैं ये भी तरक्की की राह में जो एक आपके मंशूर है उसमें रुकावट है? देखें जी, ये कतन किसी ने बलदियाती सिस्टम मुअत्तल नहीं किया हुआ। जो मेरा मतलब है कि काम नहीं कर रहा, हाल है लेकिन काम नहीं कर रहा। नहीं, काम नहीं कर रहा, ये तो जो चेयरमैन इलेक्ट होके आए हैं ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कहाँ हमारी गवर्नमेंट। हमारे पास इख्तियार नहीं है। नहीं, इख्तियार तो उनके पास पहले भी नहीं था। उनके पास इख्तियार था, उनका अपना रेवेन्यू जनरेट होता है, उनका अपने हाउस के इजलास होते हैं, उसमें ज़िले की तरक्याती स्कीमों के हवाले से उनके अपने पास फंड मौजूद हैं, तो उन्हें चाहिए वो इस्तेमाल करें। हम लोग तो एक बहुत बेहतर सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं, जिसमें हमारी तजावीज़ दी जा रही हैं कि जिसमें आम आदमी डायरेक्ट उस तक लोकल गवर्नमेंट के जो सम्राट हैं वो पहुंचे। सर, क्या आप समझते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आप वादे लेकर आवाम से उम्मीदें लेकर आए हैं, उसको फुलफिल करने में कामयाब हो जाएगी? सर, हमारा ईमान है हमारे रब पे। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान में स्टेटस को के ख़िलाफ़ हमें इतनी बड़ी कामयाबी दी है, तो हमें अपने अल्लाह ताला पे पूरा कवी यकीन है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ उसकी मदद शामिल हाल रहेगी और हम अपने वादे जो इस कौम से किए इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। राजा यावर साहब, थैंक यू वेरी मच। यूनस मोबाइल होल सेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल, 25 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस 29 मेन हॉल रोड लाहौर, फोन 04237244485। कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, 1988 से कायम शुदा, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फोन नंबर 9242372314।